हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। मेरे रूम में ही एक छोटा सा कारखाना खुला हुआ है जो कि स्क्रबर का उद्योग यहाँ पे होता है, और देख सकते हैं सर यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, अपना बना रहे हैं। तो फुल डिटेल्स में हम बताने जा रहे हैं कि ये कहाँ पे है। तो दोस्तों, ये हरसिद्धि के समझे कि वार्ड नंबर 1 सुरेश जी के मकान में इस उद्योग का मतलब सारा काम चालू है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे खुदरा और होलसेल्स में भी यहाँ पे जो ये सामान मिलता है। सर बताइएगा कुछ कि आप किस टॉपिक पे काम कर रहे हैं, कुछ डिटेल्स में तो आप ही बता सकते हैं। जी, हम स्क्रबर पैकिंग का काम करते हैं, और यह एक स्वरोजगार है जिसके माध्यम से आदमी अपने रोजगार के माध्यम से अपना रोजी रोटी चलाने का एक काज है, जिसमें हम ये स्क्रबर पैकिंग का है, आप देख सकते हैं जो आप लिखे हैं स्क्रबर, वो क्या कहलाता है उसके बारे में थोड़ा उसको बताइए। स्क्रबर जो बर्तन धोने वाला एक जाली होता है जिसको झूना कहते हैं, उसे बर्तन धोने का काम किया जाता है, और इसे बर्तन जो है बहुत बढ़िया साफ हो जाता है। तो दोस्तों, आप देख ही सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे उद्योग चालू है, और देख सकते हैं कितने अच्छे से पैक हो चुका है। देख सकते हैं पूरा एक बंडल का है, और एक काफी यहाँ पे जो है जो सहनी स्क्रबर उद्योग है वो काफी यहाँ पे चल रहा है, काफी जोरों से यहाँ पे काम भी चल रहा है। बट जितने भी सर हैं उतने में ही काम अच्छा से कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपको इनसे संपर्क करना है तो इनका नंबर मैं दे दूंगा, और वहाँ से आप इनसे कॉल करके डायरेक्ट बात कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है स्क्रबर का माल जो है आप अपने होलसेल से या खुदरा रेट में ले सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ये है मशीन, ये हीटिंग मशीन है जो कि यहाँ पे उस पट्टे को लगा करके, और इस पे जो है क्या डाला जाता है, इसमें एक डाई आता है। हाँ। इस डाई को हम यहाँ पे रखते हैं। अच्छा, यहाँ पे। हाँ। इसमें ये सारे जो स्क्रबर कहती है कचोरी सही, हम इसमें डालते हैं। अच्छा, यह 12 पीस का होता है, आप देख रहे हैं। इसके बाद मशीन जो टेम्परेचर में अपना आता है, टेम्परेचर में आने के बाद उसके बाद हम एक उस पे सीट डालते हैं, जो इसका सीट। अच्छा, ये वाला सीट है, आप देख सकते हैं, यही वाला सीट है, देख सकते हैं। इस सीट को ऊपर से डाल करके अंकल जी अपना काम करते हैं। इसे हम इस पर डालते हैं, उसके बाद इस मशीन को ऐसे कर देते हैं। ये हीटिंग पावर मशीन है ना? जी, ये हीटिंग पावर मशीन है, ये 3-4 सेकेंड के अंदर में तैयार हो जाता है। तो फाइनल दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार से जो है यहाँ पे काम चल रहा है, काफी अच्छा मतलब काम चल रहा है, इस तरह के माल जो है तैयार होता है। और एक पीस कितने का आता है ये? कि हमारे एक पीस जो होता है 10 रुपए का बिकता है। अच्छा, मार्केट में। और दिखता ये है, जो है हम होलसेल के हिसाब से संपर्क करें उनसे डिस्कस होता है रेट के बारे में, उनसे डिस्कस होता है। मार्केट प्राइस जो है पर पीस 10 रुपए का बिकता है, 10 रुपए 15 रुपए। अच्छा, चलिए ठीक है, काफी अच्छा से आपका काम चल रहा है, हम देख रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पे अच्छा से काम चल रहा है इनका सर का। और जिन जिन भाइयों को अगर यहाँ से माल ले जाना है, खास करके तो वो जो है आसपास के लोग होंगे, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अगर आप माल ले जाना चाहते हैं यहाँ से, तो इनसे संपर्क कीजिए, कॉल कीजिए, बात कीजिए, और माल आप यहाँ से ले जाइए। थैंक यू।